सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आज हम सभी प्लस टू कक्षा के विद्यार्थी आपके सामने एक नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं, जिसका विषय है ई छावनी। ई छावनी ऐप हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि छावनी क्षेत्र में रहने वाले नागरिक अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाएंगे। ई छावनी ऐप 62 छावनी बोर्ड मेंबरों द्वारा बनाया गया है, जिसमें नागरिकों को छावनी बोर्ड मेंबरों की गतिविधियों के बारे में पता लगता है। तो आइए आज हम एक नुक्कड़ नाटक के जरिए देखते हैं कि हम ई छावनी ऐप को कैसे उपयोग कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं। तो चलिए सुनो भाई सुनो। आया नाटक आया, ई छावनी पर नाटक आया। ई छावनी ऐप बनाओ, अपना काम आसान बनाओ। देखो कितना गंद है यहाँ पर, कितना ही कूड़ा करकट फैला हुआ है। गलियाँ नालियाँ पानी से भरी हुई हैं, सीवरेज का पानी भी बाहर निकल रहा है। मुझे लगता है मुझे कैंटोनमेंट बोर्ड जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। और बहन कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुमने वैक्सीन लगवा ली? हाँ, मेरी तो सेकंड डोज भी डन है, तुम बताओ? मैंने भी वैक्सीन लगवाई ही ली है। और तुम कहाँ जा रही थी? मैंने यहाँ पर देखा, यहाँ पर बहुत ही कूड़ा करकट फैला हुआ है, नालियाँ पानी से भरी पड़ी हैं। मुझे लगा मुझे कैंटोनमेंट बोर्ड जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। हाँ, पर तुम इतने छोटे से काम के लिए इतनी दूर जाओगे? जरूर करना चाहिए।
छावनी ऐप अपनाओ, ऑनलाइन कनेक्शन पाओ। ई छावनी ऐप एक ऐसा ऐप है जिससे छावनी में रहने वाले लोग एक ही एप्लीकेशन में अपने सारे काम कर सकते हैं और अपने सारे बिल भी इससे पे कर सकते हैं। इससे समय की बर्बादी भी नहीं होती। जैसा कि आप सभी ने देखा, ई छावनी ऐप के लॉन्च होने से छावनी क्षेत्र में के रहने वाले लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया है। इससे वे अपना काम आसानी से कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। तो मेरे साथ ही आप सभी को बताएंगे कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। ई छावनी ऐप आप पहले प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से ऐप बनाओ। यह सुविधाएं जलंधर कैंट के वासियों के लिए बनाई गई हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इन सुविधाओं को अपनाएं और अपना काम आसान बनाएं। धन्यवाद। ई छावनी ऐप अपनाओ, अपनी समस्या का समाधान पाओ। ई छावनी ऐप के आने से छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ये और भी आसान हो गया। जैसे दफ्तरों में दूर चक्कर काटने पड़ते हैं, इसीलिए घर बैठे आसानी से ई छावनी ऐप के द्वारा घर बैठे ही काम आसानी से हो सकता है। ई छावनी ऐप अपनाओ, जैसा कि आप सबने देखा, ई छावनी ऐप के आने से ई छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने नए कनेक्शंस भी ले सकते हैं और ऑनलाइन इसकी पेमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे अपना समय भी बचा सकते हैं। इसलिए जो भी छावनी क्षेत्र में रहते हैं उनको इस ऐप का उपयोग जरूर करना चाहिए। ई छावनी ऐप अपनाओ, ऑनलाइन कनेक्शन पाओ। ई छावनी ऐप एक ऐसा ऐप है जिससे छावनी में रहने वाले लोग एक ही एप्लीकेशन में अपने सारे काम कर सकते हैं और अपने सारे बिल भी इससे पे कर सकते हैं। इससे समय की बर्बादी भी नहीं होती। जैसा कि आप सभी ने देखा, ई छावनी ऐप के लॉन्च होने से छावनी क्षेत्र में के रहने वाले लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आया है। इससे वे अपना काम आसानी से कर सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं। तो मेरे साथ ही आप सभी को बताएंगे कि इसे डाउनलोड कैसे करते हैं। ई छावनी ऐप आप पहले प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से आप सर्च बार में जाकर ई छावनी ऐप लिखिए। ई छावनी ऐप लिखने पर आपको ई छावनी ऐप का एक नोटिफिकेशन आएगी जिससे आप अपना पहले मोबाइल नंबर भरिए और वहाँ से आपको एक OTP आएगा। OTP आने पर आपका मोबाइल नंबर दर्ज हो जाएगा। इससे आप अपने सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, आपका बिल भी दर्ज हो जाएगा और आप अपने और भी काम कर सकते हैं। धन्यवाद।